इसका नाम मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूंगा क्योंकि ये बोलने में डर लग रहा है। हेलो गाइस, दिस इज अविनाश सिंह बैक विथ आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम जा रहे हैं एक इंस्टाग्राम पे, मतलब एक वीडियो फेमस हो गया था, उसमें आप बता रहे थे कि 10 रुपए की एक स्टिक है और जो कि चिकन का है। बहुत हमारे लखनऊ में ये था यार, मतलब हम सब ने सोचा कि चलते हैं वहीं पे सीधा एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज हम वहीं जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता था उसमें जाते, लेकिन जब मैंने वहाँ जाके लोकेशन देखा तो मैंने कहा शेट, चलो मज़ा आएगा। किसी तरह हम लोग चलते 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 हमने वो लोकेशन ढूंढ लिया जहाँ पे वो वीडियो वायरल हुआ था। तो यहाँ ये है वो लोकेशन। तो यहाँ पे हम आए और हमने देखा कि यहाँ पर अभी मतलब कम भीड़ थी, तो हमारे लिए अच्छा था क्योंकि रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे इतनी भीड़ लगने वाली थी कि क्या बताऊँ। अब हम थोड़ा कोने ढूंढते हैं कि कहाँ पर मिल जाए, कहाँ से निकाल लें अपना चिकन। मेरा तो मन कर रहा था यहीं से छीन लूँ, लेकिन छोड़ो अब क्या बताऊँ, मन की बातें हैं सब। तो ये निकाल रहा है, ओए होए क्या लग रही है, क्या बात है। तो हमने क्या किया है कि 50 रुपये का पैक करा लिया। हमने कहा भाई 10 में क्या ही होगा, 3 लोग थे। तो अब ये देखो भाई साहब ये आए, इन्होंने कहा कि थोड़ा हमारा भी रिकॉर्ड कर लो, मज़ा आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, क्या कर, क्यों नहीं कर लेते हैं। ये देखिए हमारा एक बंदा वो रेडी हो रहा है, उसकी आँखों में और मुंह में आप पानी देख सकते हैं, कह रहा है दे दो। ये देखिए हमारा दूसरा लड़का, इसने छीन लिया है। तो अब चलते हैं अब खाने की तरफ। थोड़ा सा ये सिनेमैटिक व्यू दिखा दूँ जिससे लगे कि मैं बहुत सही कैमरा चलाता हूँ। तो ये रहा चटपटे फ्लेवर के साथ स्टिक, ये 10 रुपये की एक स्टिक है और ये 5 है। तो अब हमला करने के लिए मैं रेडी। ये पोर्ट्रेट में बनाता हुआ आदमी, अब मैं इसको सजेशन दूंगा कि भैया तुम लैंड इसके बनाओ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एकदम रियल रिव्यू दूँ, ठीक है। तो मुझे ठीक ठाक लगा, मैं इतना भी नहीं कहूँगा कि बहुत ख़ास था, मज़ा ही आ गया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अब बर्गर पैक कराए, बर्गर इन लोग का। मैंने सोचा कि चलो बर्गर भी खाया जाए, कुछ छोड़ा ना जाए, नहीं तो बाद में याद आया कि अरे मैंने छोड़ दिया, ओह माय गॉड क्या मस्त लग रहा है। ओ भाई साहब ये तो थोड़ा गलत सीन दिख रहा है मुझे, अब मुझे पता चल गया ये बात अलग लगा हुआ है ना। अरे भैया समझ गए। और ये बात मेरे बगल वाले ने बोल दिया। चलो तुम कैसी वीडियो बना रहे हो, जो आप समझ रहे हैं। लेकिन बर्गर भी बड़ा फीका था, मतलब मजा नहीं आया सच बताऊं तो। इस आदमी को फोटोज चाहिए और मेरे को बनाना होता है वीडियो, तो हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो इसके बाद 2-3 मतलब लात घूसे के बाद मैंने जो है वीडियो फिर से शुरू कर दिया, और ये मुझे धमकाता हुआ कि फ़ोटो भेज देना, और मैं हमेशा की तरह मना करते हुए, मैं वैसे 5 रुपये पर फ़ोटो लेता हूँ, लेकिन ये आदमी फ्री में चाहता है, तो हमारी बहस हो जाती है ऐसी चीज़ों में। और यहाँ का मौसम भाई, मौसम और ये लोकेशन, टू मच फन। ये देखिए हमने क्या किया पता है, बगल में 100 रुपये का भी चिकन मिल रहा था, तो हम वहाँ चले गए। तो हमने इनसे पैक करवाया, हमने सोचा इनका सिनेमैटिक लें, लेकिन अंधेरा हो चुका था। क्या पका रहा था सच बताओ, मज़ा ही आ गई थी। ओए होए होए, अभी मसाले घुसाएगा और रगड़ के एकदम चटपटे मसाले गाइस। ये तो छोड़ो, पानी ही आता रहता जब देखो सब देखता हूँ। तो अब हमारा आ चुका है, चटनी की फोटो थोड़ी लोगे। बगल में फेमस था कश्मीरी चाय जो कि पिंक कलर की थी, तो हमने सोचा इसको भी ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो कुछ छूट ना जाए। तो हमने इसको भी नहीं छोड़ा। और ये हाँ, ये बेटीज़ इसको घुसाने का 40 रुपये हो जाता है, तो हम थे कंजूस, हमने कहा नहीं चाहिए, उससे अच्छा पार्ले जी बिस्किट खा लेंगे। अरे जल्दी करो यार, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओहो मलाई मार के दे दिया इन्होंने। तो अब हम स्वाद लेने जा रहे हैं इस चाय का, रिव्यू एकदम रियल रिव्यू देंगे। तो गाइस ये एकदम टट्टी चाय थी। तो उसके बाद फिर से हमने जो है फिर से चिकन खाया जिससे कि मन थोड़ा फ्रेश हो सके, तो हमने फिर से ऑर्डर दे दिया। तो भाई साहब फिर से देख रहे हैं मुझे कि अरे बस करो बेटा, आप कितना मंगाओगे। यहाँ पे हमारा एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ। तो इसके बाद हमने एक डिसाइड किया कि एक भूत वाला कोई लोकेशन था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पर भी हम रुकेंगे।
थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे कि खाना तो खा लिया था, भूत देखने की देरी थी। तो हमारे लखनऊ में एक फेमस जगह है जहाँ पे हमें लगा कि यहाँ भूत हो सकता है, तो हम जो है थोड़ा घूर के उसको जाने वाले हैं। तो ये कॉलोनी आ चुकी है वहाँ पे, इसका नाम मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूंगा क्योंकि मुझे बोलने में डर लग रहा है तो मैं जो है नाम लिख दूंगा, आप सर्च भी कर सकते हैं उसके बारे में। तो इस ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।